What is up guys, तो मेरा नाम है बूस्ट माइस। तो गाइस फाइनली PUBG मोबाइल की तरफ से एक अच्छी न्यूज आ चुकी है। आपको ये तो पता ही होगा कि PUBG मोबाइल इंडिया में अनबैन होने वाला है और वो Tencent के साथ पार्टनरशिप तोड़ दिया है इंडिया के लिए, ठीक है। तो यानी कि इंडिया में आपको जो भी PUBG मोबाइल का वर्जन मिलेगा वो Tencent के साथ पार्टनरशिप नहीं रहेगा, ऑफिशियल PUBG मोबाइल का वर्जन रहेगा, ठीक है। आपको इंडिया में जितने भी अकाउंट्स हैं आपके अभी तक जिसमें आपने यूसी सब खर्च किया था, आपके कपड़े पड़े सब आपको वापस मिल जाएंगे PUBG मोबाइल इंडिया वाले वर्जन में। लेकिन वो अभी एक नया चीज कर रहे हैं कि उनको भाई सेफ्टी के लिए वो अभी एक पार्टनरशिप रहे जो कि कोई इंडियन हो, इंडियन बिजनेसमैन हो या कोई भी इंडियन बंदा जो ये पार्टनरशिप को खरीद सके, ठीक है। यानी कि 10% 20% जितना भी उन लोग ऑफर करे तो सामने वाला कोई इंडियन बंदा खरीद सके। इसमें फायदा ही फायदा है गाइस, क्योंकि देखो भाई पहले जितना ही PUBG मोबाइल चाइनीज के पैसे जाते थे, मतलब चाइना पे पैसा जाता था, ठीक है, आपका थोड़ा बहुत तो पैसा चाइना पे जाता ही था, आप जितने भी लोग खेलते हो चाइना का कंट्रीब्यूशन था 10% का। अभी उन लोग अभी पार्टनरशिप ढूंढ रहे इंडिया के लिए, यानी कि जितना भी आप खेलोगे थोड़ा बहुत, मतलब बोलते ना थोड़ा बहुत भी बहुत होता है भाई, 10% PUBG मोबाइल का तो बहुत होता है एक्चुअली में। तो आप जितना भी खेलोगे आपका सारा का सारा पैसा वापस इंडिया में तो आएगा ही, ठीक है। तो इसमें फायदा है गाइस, बहुत फायदा है। कभी एक बार इंडिया का पार्टनरशिप हो गया ना तो इसको मतलब बैन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी लॉज एंड रेगुलेशंस है इंडिया के अपने प्राइवेसी पॉलिसी को लेके, तो वो सारे के सारे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा, क्योंकि ऑफकोर्स ये इंडिया के ऊपर बनने वाला है और इंडिया के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम भी इस पर काम करेगी ताकि प्राइवेसी मेंटेन हो और सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे। और फ्यूचर में अनबैन मतलब होना ही है और कभी बैन तो होगा ही नहीं, इतना याद रखना। एक बार इंडियन पार्टनरशिप हो गए ना तो PUBG वालों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि भाई कोई इंडियन बंदा ही पकड़ो और उनकी सॉफ्टवेयर टीम जितनी भी होगी हम खुद स्पॉन्सर, उन लोग खुद स्पॉन्सर करेंगे। यानी कि जितने भी लॉज और रेगुलेशन हो गए ना इंडिया के रिलेटेड, मतलब इंडिया में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं अपने सॉफ्टवेयर से लेके, वो सारे के सारे उन लोग फॉलो करेंगे और इतना मेक श्योर करेंगे कि आगे फ्यूचर में कभी बैन नहीं होगा। क्योंकि गाइस पहली चीज कि उसमें इंडियन पार्टनरशिप है, इंडियन पार्टनरशिप है तो मतलब उन लोगों को एक मतलब सेफ्टी मिल जाती है कि आगे फ्यूचर में कभी बैन नहीं होगा। एक चीज की सबसे अच्छी चीज है कि आप इस पे मतलब आग बन करके भरोसा कर सकते हो, आप आपकी मेहनत कर सकते हो, ई स्पोर्ट्स में आपका करियर बना सकते हो। ऐसा नहीं कि देखो पहले सबको टेंशन थी कि हाँ चाइना मतलब चाइना का मतलब ऐप है तो कभी भी बैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करियर सेफ नहीं है, ठीक है। अभी भाई एकदम सेफ है करियर, जैसे कि लोग अभी CS:GO में मतलब करियर तब से बना ही रहे भाई 10 साल से, यानी कि भाई तब से बना ही रहे, अभी भी यहाँ पे भी बन सकता है करियर आपका, क्योंकि यहाँ पे अभी कभी बैन नहीं होने वाला, क्योंकि PUBG वालों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है भाई इंडियन पार्टनरशिप ढूंढने का। अभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडियन पार्टनरशिप में कौन करेगा, देखो अभी अपने यहाँ पे इंडिया में सबसे अमीर तो भाई अंबानी है, तो वो भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको प्रॉफिट दिख गया होगा कि PUBG के पीछे पब्लिक बहुत गंदी वाली पागल है। एक बार उसने मतलब पैसा डाल दिया ना गेम में तो उसको पता है कि उसका लॉस कहाँ से भी नहीं होगा, उल्टा इंक्रीमेंट होगा ये गेम पे, तो वो डेफिनेटली पैसा खर्च करने वाला है, अंबानी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बात रही अंबानी की तो गाइस वो तो जियो का मतलब करता है ना, तो ठीक है जियो में तो भाई आपको और भी ऑफर मिलेगा PUBG मोबाइल से रिलेटेड, तो भाई आपको फायदा ही फायदा है। एक बार इंडियन पार्टनरशिप हो गया ना तो एक्सपेक्ट करो कि भाई अंबानी खरीदे तो आपको बहुत फायदा होगा। अंबानी का गाइस जो जियो ब्रांड है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, शाहरुख खान। तो मतलब भाई एडवर्टाइजमेंट भी बहुत होगी PUBG मोबाइल की और बहुत सारे लोग जो नए नए यूजर्स आएंगे PUBG मोबाइल में तो और अच्छा कंपटीशन मिलेगा, आपको बहुत फायदा ही फायदा है। एक बार इंडिया कंपनी खरीद ली ना तो भाई फायदा ही फायदा है। और वैसे एक और न्यूज है, तो PUBG वालों को ना भाई इंडियन गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर एक न्यूज मतलब बोलते ना 70 क्वेश्चन किए है गवर्नमेंट ने PUBG मोबाइल को, तो वो उनको सारे क्वेश्चन के आंसर देना। आपको तो पता होगा भाई मार्क जकरबर्ग से लेकर हर एक CEO जो गूगल का CEO सबको आंसर करना पड़ता है भाई गवर्नमेंट को कि उनकी प्राइवेसी सेफ है कि नहीं पब्लिक की, और क्या क्या उनका मतलब डेटा लिया जा रहा है और कहाँ रखते हैं, कौन से सर्वर में रखते हैं, कहाँ पे, सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर करने पड़ेंगे 30 दिन के अंदर, ठीक है। और बहुत सी ने यहाँ पे ये दो न्यूज़ थी आपको बतानी थी कि गाइज उन लोग अभी दिमाग लगा रहे पार्टनरशिप ढूंढ रहे, इंडिया में ऐसी ही कोई बंदा रहना चाहिए, इंडियन रहना चाहिए बिजनेसमैन जो कि ये पार्टनरशिप खरीद सके। और डेफिनेटली गाइज इंडिया में कोई इतना पागल नहीं कि ये पार्टनरशिप को मना करे, सब मर रहे हो गए यहाँ पे पार्टनरशिप खरीदने के लिए। बस आप देखते हो अभी और क्या क्या अच्छी अच्छी खबरें आने वाली भाई PUBG मोबाइल से रिलेटेड, बहुत ही मजा आने वाला है भाई। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई अंबानी ही खरीदने वाला है, क्योंकि भाई अंबानी ही बस मतलब बोलते ना ऑनलाइन मार्केटिंग में अभी देख रहा है भाई, उसको ऑनलाइन बिजनेस बढ़ाना अपना, जैसे कि उसने जियो लॉन्च किया तभी जाके भाई वो इतना रिचेस्ट इंसान बना है भाई, टॉप 10 में आ रहा है। अगर वो जियो लॉन्च नहीं करता तो सब नहीं होता, डेफिनेटली ऑनलाइन में उसका बहुत दिमाग चलता है, तो अभी ऑनलाइन में ही वो PUBG मोबाइल को खरीदेगा, क्योंकि इससे अच्छी गेम कोई है नहीं अभी तक। तो गाइस लेट्स सी कि आगे क्या क्या होता है और क्या क्या खबरें आपको सुनने मिलती है।